किसान आंदोलन अब किसान और मजदूर का ही नहीं बल्कि 36 बिरादरी का बन चुका है। ये बात आज रोहतक में जनसंपर्क के दौरान भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने कही। वह प्रेमनगर में आगामी 27 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद को सफल बनाने के लिए लोगों से संपर्क साध रहे थे। बल्लू प्रधान ने कहा कि अगर देश को बचाना है तो सरकार के खिलाफ सभी को एक होकर आवाज को बुलंद करना होगा। उन्होंने कहा कि आगामी 27 सितंबर को पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसको सफल बनाने के लिए हम सबको सांझी लड़ाई लड़नी होगी, तभी देश बच सकता है और ये 3 कृषि विरोधी कानून सरकार वापस लेने पर मजबूर हो सकती है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पिछले 9 महीने से भी ज्यादा समय से किसान आंदोलनरत हैं, मगर सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही, जिसकी वजह से आंदोलन को तेज करते हुए 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि इस दौरान अगर सरकार या प्रशासनिक अधिकारियों ने किसान व मजदूरों को रोकने का प्रयास किया तो उसका खामियाजा भी सरकार और प्रशासन को भुगतना होगा। बाकी नेता बल्लू प्रधान ने कहा कि करनाल में किसान लगातार 2 दिन से डटे हुए हैं और जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक उनका आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। तो प्रधान जी, 27 तारीख के बारे में क्या प्लान है? देखो जी, हम सभी किसान व मजदूर भाइयों से 37 बिरादरी से हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं। ये लड़ाई एक लिए किसान की नहीं है, ये एक लिए मजदूर की लड़ाई नहीं है, ये जो भी आदमी अन्न खाता है ना, ये उसकी लड़ाई है। हमने ऐलान कर रखा 27 तारीख को पूरा भारत बंद रहेगा। शांति प्रिय तरीके हमारे बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पे, इनसे भी मैं यही कहने आता अगर भाई बढ़ चढ़ेगा भाग लेगा। 27 तारीख को अपने भारत बंद का पूरा समर्थन करना है और हम शांति प्रिय तरीके से इसको अपने बंद को कामयाब करके दिखाएंगे। अगर सरकार हमारे साथ कोई अत्याचार करेगी तो जो करनाल माल कर रहे हैं क्या ना भैया से, वो यार 27 तारीख ने हो जाएगा। हम कच्ची नहीं छोड़ेंगे, देखना ये बैठे हमारे पास पास है, देखा भाई ने ये सारे आज किसान मजदूर 36 बिरादरी जाग चुकी है। अगर जो जमींदार यानी कि यार एक जानवर से लेकर इंसान तक जो खाना खाता है वो तजुर्गिया में बंद होने लग रहा है, हम उसको हरगिज बंद नहीं होने देंगे भाई। धन्यवाद। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।